हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आज बताने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि होने वाला है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मिनट्स एंड रिपोर्ट। तो मिनट्स क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंट वीडियोज में बताया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि दोनों में अंतर क्या होते हैं, ठीक है? तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जिसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा इस तरीके से। यहाँ पे आपको इग्नू बीकॉम में जाना है, यहाँ पे फिर आपको एक थोड़ा सा पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक असाइनमेंट्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाले हैं इस प्लान के थ्रू, ठीक है ना? सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर, दैट कि जब शेयर नहीं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप हमारे चैनल पे आए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में पक्का जाएं। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको बीकॉम न्यू शो करेगा। बीकॉम न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इग्नू फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी वीडियोज मिल जाएंगी, जिनको देख करके, जिनको सुनकर के आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओगे, राइट? चलते हैं फिर आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मिनट्स एंड रिपोर्ट, दोनों में क्या अंतर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। So when a summary of the proceedings of one or more meeting is prepared for the information of members or its press, it is known as report, right? तो देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई कि जब समरी तैयार की जाती है किसी प्रोसीडिंग्स की, जहाँ पे एक या एक से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं, उनकी जब आप समरी तैयार करते हो ना, तो उसको हम कहेंगे रिपोर्ट, राइट? बट इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद मिनट्स, दो बोथ आर रिकॉर्डेड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। लेकिन इसको मिनट्स के साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें जो है रिकॉर्ड आप कर रहे हो, जो भी चीजें हो रही हैं। लेकिन रिपोर्ट्स में अंतर ये होता है कि रिपोर्ट्स में मल्टीपल मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग की जाती है, उसमें चीजों को छांटा जाता है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसको लिखी जाती हैं, राइट? लेकिन मिनट्स जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर मीटिंग का मिनट्स होगा और उसमें जो भी एक्टिविटीज होंगी, देयर इज नो कार्ड छांट, एवरीथिंग विल बी देयर रिकॉर्डेड, ठीक है ना? सो दीज आर द लाइक बेसिक डिफरेंस जो कि यहाँ पे बताई गई है। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज डिफरेंस के बारे में। चलिए फिर देखते हैं। सो स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मिनट्स एंड रिपोर्ट। सो देयर आर फाइव डिफरेंसेस गिवन ओवर देयर इन द बुक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, व्हिच इज मिनट्स आर रिकॉर्डेड ऑफ डिसीजंस ऑफ मीटिंग्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशंस व्हाइल अ रिपोर्ट इज ड्राफ्टेड इन अ नैरेटिव फॉर्म, है ना? मिनट्स जो होते हैं वो एक तरीके से मीटिंग्स में जो भी डिसीजंस ली गई हैं उन सब का रिकॉर्ड होता है वो वाला, ठीक है? व्हाइल जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट जो होता है वो ड्राफ्टेड बनाया जाता है एक तरीके से, वो रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो बनाई जाती है और एक नरेटिव फॉर्म में बनाई जाती है। इसमें बताया जाता है कि इसने ये कहा, इसने वो कहा, ऐसी चीजें हुई, है ना? तो एक रिपोर्ट तैयार करा जाता है वहां पे, राइट? तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। अ रिपोर्ट कंटेन्स डिस्कशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स एज वेल एज डिसीजंस टेकिंग। एक रिपोर्ट में जो होता है डिस्कशंस भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होता है, और जो भी डिसीजंस दिया जाता है वो भी सारी चीजें होती हैं। वेयर एज अगर मिनट्स की बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उसमें जो भी डिसीजंस आप लोगे मीटिंग के दौरान, मीटिंग के दौरान जो भी चीजें होती हैं, उन सब चीजों को जो है वहां पर रिकॉर्ड करा जाता है, जो भी रिजोल्यूशंस आप लेते हो उन सबको रिकॉर्ड करा जाता है, तो वो सारी चीजें होती हैं मिनट्स में, राइट? दूसरा पॉइंट है, मिनट्स रिकॉर्ड द एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ द रिजोल्यूशंस। मिनट जो होता है वो एग्जैक्ट वर्किंग्स, जो भी रिजोल्यूशंस लिए जाते हैं उसकी जो एग्जैक्ट वर्किंग्स होती है, उन सब चीजों को वो जो है वहां पे रिकॉर्ड करता है। दे मे इंक्लूड द नेम्स ऑफ द मूवर एंड द रिकॉर्डर। वो जो है वहां पे जो मूवर एंड रिकॉर्डर है, उन सब के नेम्स को भी वहां पे इंक्लूड किया जा सकता है मिनट्स में। ऑन द अदर हैंड अगर रिपोर्ट की बात करें, तो रिपोर्ट गिव्स अस द जिस्ट ऑफ द डिसीजंस। रिपोर्ट में एक तरीके से जो भी डिसीजंस लिए गए उसका जीस्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ उसको वहां पे हाईलाइट करा जाता है। इट मे और मे नॉट बी कंटेन द एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऑफ रिजोल्यूशंस। तो इसमें जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि जो भी वर्डिंग्स निकाली गई है रिजोल्यूशन से, वो सारी चीजें वहां पे हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, राइट? सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सेपरेट मिनट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच मीटिंग while a report may be prepared as a summary of the proceedings of more than one meeting, है ना? ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि सेपरेट मिनट्स तैयार किए जाते हैं हर एक मीटिंग का। वेयर एज अगर रिपोर्ट की हम बात करें, तो वहां पे मोर देन वन मीटिंग्स के रिपोर्ट जो है, समरी जो है वहां पे तैयार की जाती है।
चौथा जो डिफरेंस है वो ये है कि मिनट्स आर ड्राफ्टेड बाय द सेक्रेटरी व्हाइल अ रिपोर्ट मे बी रिटन बाय एनी पर्सन। मिनट्स जो होते हैं वो किसी सेक्रेटरी के द्वारा ड्राफ्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट होता है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा तैयार किया जा सकता है हु हैज बीन असाइंड टू टास्क द टू असाइंड द टास्क टू परफॉर्म, जिसको कि इस काम के लिए चुना गया है, काम दिया गया है, वो रिपोर्ट तैयार कर सकता है, लेकिन जो मिनट्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी ही ड्राफ्ट करेगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, मिनट्स सर्व एज ए ऑथेंटिक ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड डिसीजंस ऑफ ए मीटिंग एंड आर एक्सेप्टेबल एज ए लीगल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट द रिपोर्ट्स आर नॉट नॉर्मली एक्सेप्टेड एज अ लीगल एविडेंस। तो मिनट्स जो होते हैं वो एक तरीके से ऑथेंटिक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है इन फ्यूचर अगर कोर्ट में उसकी आवश्यकता पड़ी, लॉ के सामने अगर उस चीज की आवश्यकता पड़ी तो वो पड़ सकता है, क्योंकि एज ए उसको लीगल एविडेंस जो है उसको देखा जाता है, लीगल एविडेंस की तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। वेयर एज अगर रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो रिपोर्ट जो होता है वो लीगल एविडेंस नहीं होता, इसलिए उसको एज ए लीगल एविडेंस उसको ट्रीट नहीं किया जाता है। सो दीज आर द फाइव डिफरेंसेस दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मिनट्स एंड रिपोर्ट। तो दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।